यस सर, द टिपिकल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर ये इस बार क्वेश्चन आया था 18 मार्च 2021 में, प्लॉट दे रखा था। अब देखो जिसने नाम ही नहीं सुन रखा वो सब नहीं करते हैं ऐसे सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है ना। वो लगता है पता नहीं क्या है। अब आपको पता है आप चाहे से आईसी अपॉन आईबी से निकाल दो या डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी से निकाल दो, सेम ही आ रहा है। ठीक है कहीं भी देख लो आईसी बाई आईबी का रेशियो यही आ रहा होगा 200। ठीक है तो गलती ना करें ऐसे क्वेश्चन। एक और आया था इस बार देखो ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट कर रहा है विद ए पावर गेन ऑफ 10^6। इनपुट सर्किट रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी कभी ऐसे भी करता है जो आपने एवी याद किया था, बीटा एसी आरएल अपॉन आरसी अपॉन आरबी था ना आपका। ठीक है तो आरसी अपॉन आरबी की जगह कभी कभी ये इनपुट रेजिस्टेंस भी दे देता है। ठीक है कभी कभी ये इनपुट रेजिस्टेंस भी दे देता है। तो कुछ नहीं है आपको आरबी की जगह वो इनपुट रेजिस्टेंस के नाम वाली टर्म लिख देनी है। और कभी कभी इनपुट रेजिस्टेंस वैसे भी निकलवा सकता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से, ध्यान रखिएगा दोनों कंबाइन कर सकता है वो। ठीक है ना कि आपको कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट भी दे दिया और फिर आपने उससे इनपुट रेजिस्टेंस निकाला फिर उसको वोल्टेज गेन वाले फार्मूले में यूज कर दिया। ठीक है तो यहाँ पर पावर गेन था 10^6। पावर गेन बताइए करंट गेन स्क्वायर इंटू आउटपुट कितना है इसमें, आउटपुट रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है क्लियरली, बट ये आपको आरबी की जगह बोल दिया इसको इनपुट सर्किट रेजिस्टेंस, तो वो कितना होता है 100। ठीक है तो बस रख दो डायरेक्ट पावर गेन के फार्मूले में, बीटा निकल आएगा। ठीक है बीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक और इसी तरह का क्वेश्चन इस बार भी था, इफ एन अमीटर करंट इज चेंज बाई 4 mA, द कलेक्टर करंट चेंजेस बाई 3.5 mA, देन द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी। ठीक है तो ध्यान से फार्मूले में गड़बड़ ना हो जाए, बीटा पूछा है तो बीटा होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, तो यहाँ पर डेल्टा आई ई दे रखा है ध्यान रखना, तो आई बी निकालना पड़ेगा पहले इस फार्मूले से। वही आई सी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ तो बन जाए। ठीक है ये गड़बड़ ना करें ध्यान से जवाब दें, तो बीटा कितना आ जाएगा 7 निकल के आ जाए। ठीक है ये देखो ये क्या था आपका, कॉमन ट्रांजिस्टर रेडियो सेट रिक्वायर्स 12 वोल्ट DC फॉर इट्स ऑपरेशन। ठीक है और द डीसी सोर्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर एंड ए रेक्टिफायर सर्किट विच आर ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट AC ऑन स्टैंडर्ड डोमेस्टिक AC सप्लाई। यूजिंग ए ट्रांसफार्मर यूज करते हुए डीसी सोर्स बनवाया, रेक्टिफायर सर्किट 220 वोल्ट, तो डीसी वोल्टेज ऑफ टू दो नहीं 220 वोल्ट AC को यूज करते हुए। ठीक है ना तो उससे आपने डीसी बना सकते हैं। ठीक है घर में एसी आ रही है 220 वोल्ट की, ठीक है और आपको कितनी चाहिए 12 वोल्ट की चाहिए। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल आर 24, देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आर। कैसे करेंगे, अजीब सा नहीं लग रहा है क्वेश्चन, ये बहुत आसान लग रहा है आपको, बताइए 220 वोल्ट आपका इनपुट है घरों में जो आ रहा है, बट आपको जो रेडियो चलाना है उसको 12 वोल्ट तक गिराना है। फिर E1 N1 इक्वल्स टू E2 N2 करेंगे क्या? हाँ बस कर देंगे यही कर देंगे, E2 upon E1 is equal to N2 upon N, और कुछ है नहीं इसमें। बट ये जबरदस्ती घुमा घुमा के इसने इसका बता दिया था, डायरेक्ट है E2 upon E1 is equal to N2 upon N। ठीक है सर, हाँ बताइए सर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है सर। इस वाले में बताइए। सर इसमें अपन ने बीटा निकाला है सर, पहले अपन अल्फा भी तो निकाल सकते थे आईसी और आईई से, फिर अल्फा से बीटा निकाल लेते। अब इसने चेन दे रखा है तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई भी निकालो ना, उससे निकालोगे तब भी वही आएगा, इससे कोई अलग नहीं होना चाहिए। सर बस वो पूछना था। सही है नहीं वैसे भी निकाल सकते लेकिन अल्फा तो कम यूज करते हैं, बीटा ज्यादा यूज करते हैं। पहले बीटा का फार्मूला भी हमें याद होता है, पहले बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई। बताइए तनिष यस सर, आप क्लियर है। उल्टा क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है बीटा का तो याद रखिए, बीटा का तो बहुत ज्यादा यूज है, मैंने सबसे पहले लिखा है ना बीटा उन 3 इक्वेशंस में, अल्फा तो मैंने बाद में बताया। ठीक है बेटा ओके सर, यस सर। चलिए, तो एक कॉमन ट्रांजिस्टर का
क्वेश्चन बना दिया ऐसे जबरदस्ती, ट्रांजिस्टर लग के ऐसा लगे बच्चों को है ये ट्रांसफार्मर का, सीधा है कि 220 वोल्ट पे आ रही है, 12 वोल्ट का रेडियो चलाना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स कितना है, सेकेंडरी कॉइल में 24 है तो प्राइमरी में कितने होंगे, तो ई टू अपॉन ई वन इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, ये कुछ स्टेटमेंट गिवेन थे, ये भी इस बार का ही है। अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पटांग से ही होते हैं, मेंस के होते हैं तो क्या करें, ठीक है, बट आ रहे हैं, चलो ये भी देखते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग अगले में करें।